बहुत पुरानी बात है, सात समुंदर पार एक खूबसूरत राज्य था, जहाँ के राजा और रानी अत्यंत दयालु थे। राजा और रानी के सात बेटे थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके घर में एक लड़की का जन्म हो, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। एक रात जब राजा और रानी खाना खाने के बाद नदी के किनारे टहल रहे थे, तो उन्हें नदी में एक टोकरी आती दिखाई दी। राजा ने तुरंत सेवक को नदी में भेजकर उस टोकरी को अपने पास मंगवाई। पूरे राज्य में उत्सव का ऐलान कर दिया। इस लड़की को हम अपनी बेटी की तरह पालेंगे। लड़की का भविष्य बताने के लिए राज्य के सबसे अनुभवी ज्योतिष को बुलाया गया। महाराज, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस लड़की के कदम आपके परिवार के लिए शुभ नहीं है। पंडित जी, जो भी बात है खुलकर बताइए। महाराज, जैसे जैसे ये लड़की आपके परिवार में बड़ी होगी, आपके सातों बेटों की मृत्यु हो जाएगी। हाँ, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो पंडित? क्या तुम होश में तो हो? सिपाहियों, ये पंडित को महल के बाहर निकाल दो। राजा ने ज्योतिष की बात का विश्वास नहीं किया, लेकिन जब लड़की का पहला जन्मदिन आया, तब राजा के सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। तब राजा को ज्योतिष की बात याद आई। राजा ने तुरंत अपने एक सेवक को ज्योतिष को बुलाने के लिए भेजा, लेकिन सेवक खाली हाथ लौट आया। महाराज, कुछ दिन पूर्व ही ज्योतिष की मृत्यु हो चुकी है। मुझे पता लगा है कि उसका एक भाई पड़ोस के राज्य में रहता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे उस पड़ोसी राज्य से बुला लाऊं। हाँ, अवश्य ही उसे बुला कर लाओ। दूसरे राज्य से ज्योतिष को बुलवाया गया। मेरे भाई की भविष्यवाणी सही है। अब हमें विश्वास हो गया पंडित जी, लेकिन अब आगे का रास्ता बताइए। अगर आपकी बेटी को आग के गोल घेरे में बड़ा किया जाए, तो उसकी उम्र बढ़ने पर आपके बेटों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ध्यान रहे, आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। एक छोटा सा घर बनाया गया और उसे बहुत बड़े आग के गोल घेरे में बंद कर दिया गया। लड़की, जिसका नाम वनीला रखा गया था, आग के गोल घेरे में बड़ी हुई। कई वर्ष बीत गए, आग निरंतर जलती रही। राजा और रानी की मृत्यु हो गई। छह भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने राजगद्दी संभाली। छोटे भाइयों, वक्त आ गया है कि अब हम अपनी बहन को आग के घेरे से बाहर निकालें और उसका विवाह करके उसे सामान्य जीवन जीने दें। ठीक कहा बड़े भाई, बेचारी बहन आग की तपिश से तंग आ चुकी होगी। सभी भाई अपनी बहन के पास पहुँचे। बहन, वक्त आ गया है कि तुम इस आग के घेरे से बाहर निकलो। हाँ भाई, मुझे दुनिया देखनी है। आखिर कब तक मैं बंद गोल घेरे में कोल्हू की बैल की तरह पिसती रहूंगी। वनीला को बाहर निकाला गया। वनीला ने पहली बार फूल, तितलियाँ, नदियाँ देखी। अचानक वनीला की नजर एक बगुले पर पड़ी। वाह, कितना सुंदर पक्षी है। उस पक्षी को क्या बुलाते हैं? बहन, इस पक्षी का नाम बगुला है। मैं बगुलों के राजकुमार से शादी करूंगी, और किसी से नहीं। अरे, लेकिन हम बगुलों को राजकुमार कहाँ से लेकर आएंगे? मुझे नहीं पता, कहीं से भी लेकर आओ, लेकिन मैं शादी करूंगी तो सिर्फ बगुलों के राजकुमार से। एक भाई राज्य संभालने के लिए रुका और बाकी पांच बगुलों के राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो कोसों दूर तक गए, लेकिन उन्हें बगुलों का राजकुमार नहीं मिला। अरे भैया, खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। यदि जल्दी हम घर नहीं लौटे तो हम सब रास्ते में ही मर जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम बगुलों का राजकुमार ढूंढे बिना नहीं लौट सकते, क्योंकि अगर हम खाली हाथ लौटे तो हमारी बहन को बहुत निराशा होगी। पांचों भाइयों ने खोज जारी रखी। जंगल में उन्हें एक बूढ़ा सन्यासी मिला। क्या आप बता सकते हैं कि बगुलों का राजकुमार कहाँ मिलेगा? अरे बेटा, यहाँ से दक्षिण दिशा में 50 कोस जाओ, वहाँ बगुलों का राज्य है। पांचों भाई दक्षिण में 50 कोस चले। वो एक ऐसे राज्य में पहुँचे जहाँ सब कुछ सफेद था। सफेद रंग के मकान, सफेद मिठाइयाँ, और सारे लोग भी सफेद कपड़े पहने हुए थे।
पूछने पर पता लगा कि वहाँ बगुलों का राजकुमार राज्य करता है। पांचों भाई राजमहल पहुँचे और बगुलों के राजकुमार को अपनी समस्या बताई। अरे राजकुमार जी, आप हमारी बहन से शादी कर लीजिए, वरना वो जीवन भर कुमारी रहेगी। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं किसी मूर्ख लड़की से शादी नहीं करना चाहता। बगुला एक बुद्धिमान और चालाक पक्षी होता है, और मैं बगुलों का राजकुमार हूँ, इसलिए तुम्हारी बहन को साबित करना होगा कि वो बुद्धिमान है, तभी मेरा और उसका विवाह संभव होगा। अरे निश्चित ही हमारी बहन बुद्धिमान, आप उसे यहाँ बुलाएं और स्वयं जांच लें। बगुलों के राजकुमार ने पांचों भाइयों की अच्छी खातिरदारी की। उन्हें ठहरने के लिए एक विश्राम कक्ष दिया गया। पांचों भाइयों ने अपनी बहन को पत्र लिखकर बगुलों के राजकुमार के पास बुलाया। जब पत्र वनीला को मिला तो वो बेहद खुश हुई और चलने की तैयारी करने लगी। उसने राज्य संभाल रहे भाई से कहा, भाई मुझे एक घोड़ा, दो सेविकाएं और कुछ सैनिकों की आवश्यकता है। मैं प्रातःकाल ही बगुलों के राजकुमार के राज्य की तरफ निकलूंगी। भाई ने सारी व्यवस्था कर दी। रास्ते में वनीला को घोड़े पर बैठे बैठे नींद आने लगी। दो सेविकाओं में एक बूढ़ी सेविका थी और दूसरी उसकी जवान बेटी। बूढ़ी सेविका ने सोचा, कितना अच्छा हो अगर वनीला की जगह मेरी बेटी की शादी बगुलों के राजकुमार के साथ हो जाए। उसने सैनिकों को लालच दिया, सुनो भाइयों, तुम ये जानते ही होगे कि मैं महल की प्रधान सेविका हूँ और मेरी खजांची से जान पहचान भी है। मैं तुम लोगों को महल के खजाने में से एक एक किलो सोना दिलवा दूंगी अगर तुम मेरा एक काम करो। कैसा काम? राजकुमारी वनीला इस समय सो रही है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे किसी दलदल में फेंक दो ताकि मेरी बेटी का विवाह बगुलों के राजकुमार से संपन्न हो सके। सैनिकों ने सोने के लालच में ऐसा ही किया। उन्होंने जंगल में पड़ने वाली एक दलदल में वनीला को फेंक दिया। वनीला हाथ पैर छटपटाती रही और सेविकाएं और सैनिक जल्दी जल्दी में वहां से खिसक लिए। सेविका की बेटी जो कि एक लालची और मूर्ख लड़की थी बगुलों के राजकुमार के पास पहुंच गई। मैं सात भाइयों की बहन हूं और आपसे विवाह करना चाहती हूं। ठीक है, लेकिन पहले कुछ पहेलियां पूछकर ये जांच लूं कि तुम कितनी बुद्धिमान हो। पहली पहेली सुनो, वो कौन सी तीन सखाएं हैं जिन्हें जोड़ा या गुणा करो परिणाम एक ही प्राप्त होता है। सेविका की बेटी का मुंह बंद रह गया। तुम्हारे भाई तो तुम्हारी बुद्धिमानी की बहुत तारीफ कर रहे थे, उन्होंने मुझसे झूठ बोला। तुम इतनी सरल पहेली का जवाब भी नहीं दे पाई। सैनिकों, उन पांचों भाइयों को बुलाओ। पांचों भाइयों को बगुलों के राजकुमार के सामने लाया गया। तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी बहन बुद्धिमान है, ये तो साधारण गणित भी नहीं जानती। अरे राजकुमार जी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, ये लड़की हमारी बहन नहीं है। हे भगवान, फिर से झूठ। सैनिकों, इन पांचों को कारागृह में डाल दो और कुछ दिनों बाद इन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। रुक जाइए बगुलों के राजकुमार, इन पांचों भाइयों की असली बहन मैं हूँ। पहेली का जवाब देकर साबित करो, वो कौन सी तीन सखाएं हैं जिनको जोड़ा या गुणा करो परिणाम एक ही प्राप्त होता है। एक, दो और तीन। अरे अरे भाई, बहुत खूब बहुत खूब, लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आ रही। अगर तुम इन भाइयों की बहन हो तो ये लड़की कौन है? ये मेरी सेविका की बेटी है। रास्ते में इन माँ बेटी ने मिलकर मुझे दलदल में फिकवा दिया। वो तो एक गडरिया ने मेरी जान बचा ली और मैं यहाँ तक आ पहुँची। बगुलों के राजकुमार ने सेविका और उसकी बेटी को कारागृह में डाल दिया। उसके बाद वनीला के साथ पूरे धूमधाम से विवाह किया।